दोस्तों, जुनून किशोर स्टूडियो से आज दिवाकर आपके सामने फिर हाजिर है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं आपको। आपने डायलॉग तो सुना ही होगा, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि किशोर जी होते तो कैसा होता, किशोर जी इस गीत को कैसा निभाते, किशोर जी इस गीत पे क्या हरकत करते। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। इसी सोच को लेके मैंने पिछले साल से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है किशोरिफिकेशन। इसमें मैं दो किस्म के प्रयास करता हूं। एक जो बहुत ही खूबसूरत गाने और सिंगरों ने गाए हैं, उनमें से कुछ लेकर मैं किशोर जी के स्टाइल में उनको रीइंटरप्रेट करता हूं। कई बार ऐसा देखा है कि वो एकदम अलग जज्बात हो जाता है उस गाने में जब किशोर जी के स्टाइल में किया जाता था। तो ये प्रयास मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी कोशिश जो है वो एकदम नए गीत जिसके बोल मैं लिखता हूँ और जिसकी ट्यून मैं बनाता हूँ, किशोर जी के स्टाइल में मैं गाने की कोशिश करता हूँ उनको। ऐसे मैंने तकरीबन 25 गाने बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी ये आप सब के सामने रखूँगा। मगर आज जो मैं गीत आपके सामने करने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली एक बहुत पुराना वेस्टर्न सॉन्ग है। 1920s में World War I के टाइम का गाना है। ओरिजिनली इटालियन सॉन्ग है। इसका नाम है वोलारिस, और वोलारिस का मतलब है फ्रीडम, फ्लाइट। तो ये सुना गया है कि उस वक्त जो वर्ल्ड वॉर में जो कैदी थे उनमें उनकी सोच को लेकर ये गाना बनाया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हम लोग भी कोरोना वायरस की कैद में हैं। तो कुछ ये सोच भी ठीक लगी। मगर ऑब्वियसली जो गाना मैंने बनाया है वो तो हिंदुस्तानी गाना है, और इसमें इंडियन स्टाइल में प्यार मोहब्बत का चक्कर है, गुलामी का नहीं है। तो मगर मैंने इसमें एकदम वो जो वेस्टर्न जैज स्टाइल्स रखे हैं और जो आजकल बिल्कुल इंडियन सॉन्ग में बहुत कम सुनने को मिलते हैं, तो मुझे ये कोशिश बहुत अच्छी लगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको भी पसंद आए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं ये गीत आपके सामने आज करूँगा। जो ओरिजिनल सॉन्ग है वोलारिस, बट जो इंडियन किशोर जी के स्टाइल का गाना है उसका नाम है छोड़ आए हम वो जहाँ। ये गाना एक्चुअली बहुत लोगों ने किया, डीन मार्टिन ने भी किया हुआ था एक वर्षन, बट आप ज़रूर कंपेयर करने के लिए सुनिएगा डीन मार्टिन की वर्षन को वोलारे, और किशोर जी के वर्षन को भी सुनिए। मैं सोचता हूँ कि हमने काफ़ी इनोवेट किया है इसमें। थैंक यू सो विथ योर परमिशन।